तेलुगु फिल्म गीता साक्षी का उड़ा देगी सबके होश। पुष्पा और आरआरआर जैसी तेलुगु फिल्मों की शानदार सक्सेस के बाद मेनस्ट्रीम तेलुगु फिल्मों ने पैन इंडिया ऑडियंस के बीच अपनी अच्छी खासी जगह बनाई है और हिंदी सिनेमा में दिलचस्पी रखने वाले ऑडियंस को अट्रैक्ट भी किया है। साउथ इंडियन फिल्मों के बैरियर्स और डिफरेंस को खत्म करते हुए तेलुगु सिनेमा ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नए बेंचमार्क बना दिए हैं बल्कि उन्हें समान रूप से अच्छी और मीनिंगफुल कंटेंट के लिए भी सराहा जाता है, जो अब हिंदी मूवी लवर्स को भी नए तरीके से थ्रिल कर रहा है। ऐसे में अब एक और स्ट्रॉन्ग, इंटेंस और इमोशन से भरपूर तेलुगु फिल्म गीता साक्षी का हिंदी ऑडियंस के बीच रिलीज होने जा रही है, जो हमारे टाइम के सोशल रिफॉर्म से रेलेवेंट टॉपिक पर बेस्ड है। ये फिल्म ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जो कि महिलाओं के डेली लाइफ में होने वाले उत्पीड़न के बारे में बताई। फिल्म की कहानी एक मंत्री के बेटे द्वारा एक लड़की के रेप और फिर उसके मर्डर किए जाने की है, लेकिन एक निर्दोष लड़के को इस अपराध के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, वो भी उस गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं है। लेकिन उसे सिर्फ इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि वो रेप और मर्डर के टाइम उसी होटल में मौजूद होता है और इस तरह से मासूम और निर्दोष लड़के को पुलिस और गवर्नमेंट का खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये फिल्म न सिर्फ महिलाओं की रोजमर्रा की लाइफ में आने वाले कठिनाइयों और अन्याय के बारे में बात करती है, बल्कि ये फिल्म वुमन एम्पावरमेंट के बारे में भी बताती है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे विक्टिम की फ्रेंड वकील बनती है और फिर कड़ी मेहनत करके अपराधी को सजा दिलाती है। एंथोनी मार्पल्ली के डायरेक्शन में बनी गीता साक्षिका की स्टोरी को बेहद दमदार तरीके से दिखाया गया है। हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के ट्रेलर और गाने को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी फैंस की तरफ से मिला है और सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। आदर्श और चित्रा शुक्ला फिल्म में मेन लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे, जबकि श्रीकांत अय्यगर, रुपेश शेट्टी, बर्नी शंकर, जयललिता, अनीता चौधरी, राजा रविंद्र जैसे कई सेलेब्स भी फिल्म में मेन रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। चेतन राज फिल्म्स के बैनर तले निर्मित गीता साक्षिका का ओरिजिनल तेलुगु वर्जन 22 मार्च को सिनेमा हॉल्स में रिलीज किया जाएगा, जबकि फिल्म का हिंदी वर्जन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ओरिजिनल रिलीज के दो दिन बाद यानी कि 24 मार्च को रिलीज किया जाएगा। वेल, आप इस फिल्म गीता साक्षिका को देखने के लिए हैं कितने एक्साइटेड, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।